ठीक है ना। और ये जो है स्टैंडर्ड बोनस ये अपना खुद का बनाते हैं, ठीक है ना। कारण इसका ये हो जाता है कि जितनी भी आपका, तो ये आपका सॉलिडाइज है और ये एफ और जी क्या है, लैच। जैसे आप देखते ना 5 वीक 7 वीक के अंदर पाव लगा होता है, तो ये एक तरीके से लैच है एफ एंड जी। तो जब करंट इसमें फ्लो करती है सॉलिड में, तो एफ एंड जी मैग्नेटाइज हो जाएंगे और ये मेटल है आपका, तो ये अट्रैक्ट कर लेगा और ये इसके अंदर ये आपका हुक है, दिस इज कार्ड द हुक। और इसके नीचे आपका लगा होता है आपका नाइफ, उसमें नाइफ ऊपर लगा हुआ था, इसमें नाइफ नीचे लगा हुआ है। ये नाइफ क्या करेगा, ये आपका डी एंड डी दोनों आपके नाइफ है, ये नाइफ क्या करते हैं आपके हुक को अप एंड डाउन करेंगे, ठीक है। और जैसे इसको अप करेंगे तो यहां पर वो लगता है, और अगर करंट वो इड आपको अप करना है तो क्या हो जाएगा, ये इसको अप कर देगा, नाइफ आपका नीचे चला जाएगा, इड आपका टॉप पोजिशन में बन जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद आपका दूसरा टाइप ऊपर जाएगा, है ना। जैसे आपके 6000 रुपए हैं तो 3000 का सिलेक्शन हो गया, अब 3000 का इधर छोड़ने जा रहा है, ठीक है ना। इन 3000 में से ये आपका मेटल पार्ट है और ये यहाँ एडजेक्ट होगा, एडजेक्ट होने के बाद क्या हो जाएगा, ये जो इन आपको अप करने वो अप हो जाएंगे, जो डाउन है तो नाइन जो नीचे आएगा तो नीचे आएंगे। आगे बात सुन, इसको नहीं समझ में सबको आगे, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं। ये आपका सॉलिड वाल है, ठीक है ना, और इसके अंदर क्या हो जाता है, करंट आती है, ठीक है। और सॉलिड बनता है, मैग्नेट बन जाता है पर्टिकुलर, और वो मैग्नेट बनने की वजह से क्या हो जाता है, जब हुक द्वारा ये ऊपर जाता है तो ये अटैक्ट हो जाएगा और पर्टिकुलर इन आपका जो है ये आप हो जाएगा, ठीक है ना। अगर यहां पर आपका मैग्नेट नहीं बना तो ये इन आपका सीधे ऊपर जाएगा और फिर नाइफ द्वारा नीचे आ जाएगा, तो वो इन कहां चला जाएगा, बॉटम के अंदर, लाइक दिस, ठीक है। ऐसे ही प्रोसेस आपका इस तरफ से हो रहा है, यहां से ये हुक आपका ऊपर जाएगा, ये आपका अगर नाइफ ऊपर जाएगा, हुक आपका ऊपर जाएगा 3000 और इसी में से सिलेक्शन हो जाएगा और वो इंट आपका आप चला जाएगा। तो इस तरीके से 6000 जो आपके इंट्स है उसमें से कुछ इंट्स आपके ऊपर और कुछ इंट्स आपके नीचे। अब जैसे ये 6000 इंट्स थे आपके 6000 इंट, तो इसमें में से आपके 2000 इंट्स ऊपर चले गए और आपके 4000 नीचे आ जाए। इसका कहने का मतलब ये हो जाएगा कि 2000 ताकि तो अब चले गए 2000 डाउन और उसके बाद आपकी ये यहाँ पर आपकी रीड लगी हुई है और ये आपकी शक्ल है और ये आपका पिकिंग हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, ये डबल लिफ्ट लगी हुई है, ये यहाँ पर डबल लिफ्ट क्यों बताते हैं, क्योंकि वी शेप शेड बनता है। वी शेप बनने का कारण जो हो जाता है कि शेड हमारा ओपन रहता है, तो हम पिकिंग करते हैं ना तो पिक हमारा ये फिर आपका काम कर जाता प्रॉपरली। जबकि आपके अरे सिंगल सिलेंडर सिंगल लिफ्ट डबल में क्लोज सेंटर फिटिंग हो रही है तो कवर उतना अच्छा नहीं आता, इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक जो कपड़ा बनता है इसका कवर सबसे अच्छा होता है। भाई इसीलिए कॉस्ट इसकी प्ले करते हैं, है ना, दे आर आर करोड़। अभी आप कॉस्ट देखेंगे तो बोनस इलेक्ट्रॉनिक जैकेट है और ये आपके सब्जेक्ट के ऊपर नेम लिखने के लिए भी यूज किए जाते हैं। आप देखते ना मफतलाल लिखा हुआ है, एग्जाम लिखा हुआ है, डिरेक्ट ट्रेनर लिखा हुआ है, तो उसके लिए हम 72 या 80 के बच्चे का जैकार्ड लिख सकते हैं, इससे भी लिख सकते हैं, अलग से भी लग सकते, ठीक है ना। तो दिस अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक जैकार्ड, ठीक है ना। अब इसकी वर्किंग देखिए कैसे होती है, ये बुक आपका ऊपर जा रहा है, ठीक है ना, नीचे से ऊपर गया था, अब इसका सिलेक्शन हो चुका और जिनको नीचे जाना था वो नीचे चले गए। अब क्या होगा, जैसे ही हुक आपका ऊपर लेके जाएगा तो इन आपके 3000 ऊपर जाएंगे और उसमें से सिलेक्शन हो जाएगा और सिलेक्शन होने के बाद वो टॉप पर आएंगे। इसी तरीके से इधर से भी जिनको ऊपर जाना ऊपर चले जाएंगे नीचे, तो इस तरीके से आपका
ये तो फर्स्ट पोजीशन, फिर सेकंड ऊपर ले जाएगा, है ना, तो ये टॉप पर बने रहेंगे, ये बॉटम में, तब आपका शेड फॉर्म होगा। तो दिस इज द प्रोसेस हाउ दिस इज बीइंग मेड, ठीक है ना। अब हम आते हैं आपके स्टेबलाइज अकाउंट पर, है ना। स्टेबलाइज का उल्टा है, जैसे ही मैग्नेट यहाँ पर स्प्रिंग लगी होती है, ये आपका जी सॉलिनॉइड है, है ना, ये क्या करेगा स्प्रिंग को, जैसे करंट आएगा तो स्प्रिंग आपकी कॉन्टेक्ट होगी, और ये आपका क्या है एफ आपके लैच है, और ये आपका ए और बी क्या है, ये आपके हुक है, और आपका सी और डी क्या है, ये नाइन्थ है, और नाइन्थ आपके अप एंड डाउन हुक कर रहे हैं, ये ऊपर जाएगा, नाइन्थ ऊपर जाएगा, और ऊपर की तरफ मैग्नेट आ गया, करेंट आ गई, तो ये कॉन्टेक्ट नहीं करेगा, तो ये नीचे रहेगा, बॉटम बना लेगा, और यहां पर क्या हो जाएगा, जब आपकी करंट आएगी तो ये टिल्ड हो जाएगा और ये हुक को ऊपर ले जाएगा। अभी मैं दिखा रहा हूं, ठीक है ना, ये देखिए, अब यहां पर क्या होगा, ये ऊपर जा रहा है, ये इसको टिल्ड करेगा, ये इधर जाएगा, और ये आपका चूंकि मैग्नेट बन गया है तो ये इसको कॉन्टेक्ट नहीं करेगा, तो ये नीचे आ जाएगा, है ना। ऊपर आने के लिए क्या है, मैग्नेट नहीं होगा, जस्ट बोनस का उल्टा हो रहा है, यहां बोनस में तो जहां मैग्नेट है वो अटैक करेगा, वो ऊपर जाएगा, और यहां पर जो मैग्नेट होगा, है ना, वो इंड आपका नीचे रह जाएगा, जहां मैग्नेट आपका नहीं आएगा वो इंड ऊपर चला जाएगा। देखो क्या हो जाता है, दो कंपनी है, ये अलग अलग अपना पेटेंट कराती है, अगर ये उसकी कॉपी कर लेता ना तो ये कह देता मेरी कॉपी आपने कर ली, तो हमेशा अपना पेटेंट बनाना पड़ता है, समझे कि नहीं। तो इस वजह से ये दोनों जैकार्ड्स हैं, और स्टेबले खाली जैकार्ड नहीं, ये आपका संजय के ऊपर आपका केटी डॉगी लगी हुई है, और आपका एयरजेट जो लूम रखा हुआ उसके ऊपर टैबलेट लगी हुई है, तीनों चीजें बनाती है, समझ नहीं। कारण इसका ये हो जाता है कि स्टेबले कंपनी है, तो हर पार्ट्स आपका अलग अलग कंपनी बनाती है, और जो पिकानोर लूम है वो क्या करता है, पिकिंग सिस्टम बना देगा, समझे नहीं। और पिकिंग सिस्टम बनाने के बाद वो स्टेबलेस से सेटिंग डिवाइस ले लेगा, किसी से लेगा ऑफ ले लेगा, है ना। जैसे आपके कंप्यूटर के अंदर क्या हो जाता है, आपके अलग अलग सी गेट तो हार्ड डिस्क हो गई, वो आपकी कहां से आ गई, क्या आपका जो ये जो सिस्टम होता है आपका माइक्रो प्रोसेसर i3 i5 i7, ये अलग कंपनी है, इंटेल कंपनी का है, तो जो डेल कंपनी है क्या करती है, इनसे सबसे परचेज करके अपना कंप्यूटर बना देती है, समझे नहीं। वैसे लूम में होता है, सब आपका लेटाओ आपका जो सेटिंग डिवाइस प्योर पिकिंग सिस्टम कंपनी का लगता है। अभी आपको बताओ, संजय के अंदर पहले आपका लगा था क्या, प्रोजेक्टाइल के अंदर खाली वेब को प्रोजेक्टाइल से हम करते हैं, और फिर इसने क्या किया, रूटी से टेकअप लिया और लेटाओ लिया, तो इसीलिए इसका नाम पड़ा संजय रूटी, समझे। इनके नाम चेंज हो जाते हैं जिस कंपनी से आप कोलोबरेट करते हो। अब इंडिया में क्या है कि जितने सीओज हैं यूएस के अंदर, सब ज्यादातर इंडियंस हैं। अभी अजमेर का एक लड़का था, ट्विटर का सीओ बना, समझे कि नहीं। सच ए बिग पोस्ट इज हैविंग, मतलब इंडिया पढ़ता है अमेरिका कमाता है, भाई पढ़ा तो IIT में यहीं पर, और पैसा कौन कमा रहा है अमेरिका। ये 5 रुपए IBM का CEO, अब आपका गूगल का CEO सुंदर पिचाई, और जितने भी CEOs हैं दे आर ऑल इंडियन। और आपको बता दें, हाँ सर नडेला, ये इसका माइक्रोसॉफ्ट का, मेरे ब्रदर वहीं पर रहते हैं, ये जो आपका माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस है, तो मेरे ब्रदर करीब 1983 में US चले गए, तीसरे डॉक्टर, तो वो इज लिविंग नियर टू द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। मेरी भी PhD थीसिस थी, तो ही हेल्प मी, वही गाइड था माइक्रोसॉफ्ट के अंदर, वहां से साइन करा के हैं, मतलब वहां पर तो क्या हो जाता है कि ये आपका 10-20 किलोमीटर तो कोई डिस्टेंस नहीं, समझी नहीं। और चीजें मैं बताऊंगा आपको, तो ये सब क्या हो जाता है कि ऑल द बिग पोजिशंस आर ऑन द इंडियन, समझे कि नहीं। हमारे देश में क्या लोग लालची है, स्टार्टअप किया, कोई बनाया स्टार्टअप, और स्टार्टअप के बाद सेठ को लगा कि इसके अंदर हमको 40 करोड़ मिल रहे हैं, और अमेरिका की कंपनी ने भी उसको सेल कर दिया, फिर वो डेवलप कर लिया। चलिए ये तो हो गया आपका।